टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 30 है। 28 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। एक सेकंड देना मुझे। चलो ठीक है, लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 28। सी नाउ क्वेश्चन नंबर 28 सेज अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एल विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन मूव्स यूनिफॉर्मली ओवर अ फर्दर डिस्टेंस टू एल एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग अ फर्दर डिस्टेंस 3 एल अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एज्यूमिंग एंटायर मोशन टू बी रेक्टिलिनियर मोशन द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ओवर द जर्नी टू द मैक्सिमम स्पीड ऑन इट्स वे इज। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना। देखो क्वेश्चन में कैसे हम आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलो सब लोग यहाँ पे ध्यान देना प्लीज। अभी इन क्वेश्चन नंबर 28 ओके बट क्वेश्चन नंबर 28 उसी क्वेश्चन में ऐसा दिया गया पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड देन मूव्स अ फर्दर डिस्टेंस टू एल फाइनली कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग अ फर्दर डिस्टेंस 3 एल। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे, 6 एल ना। ये पूरा जो पाथ का डिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 6 L यहाँ पे लाइक दिस। तो ये यहां से स्टार्ट हुआ ऐसा। बोलो पहले कितना गया L, फिर कितना गया आगे, टू एल, और लास्ट में वो कितना गया आगे, 3 L। और बोलो वो रेस्ट पे आ गया मतलब यहाँ पे वी डैश का वैल्यू कितना है, 0, जीरो और रेस्ट से तो ही स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे यू का वैल्यू कितना है। जीरो अब जीरो क्या होगा यहाँ पे, पहले ऐसा बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उसका स्पीड बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और बोलो ये 2L के अंदर उसका मोशन कैसा यूनिफॉर्म है ना, इन द पार्ट ऑफ 2L मोशन कैसे यूनिफॉर्म हो, तो बोलो यहाँ पे वेलोसिटी यू से कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर मोशन यूनिफॉर्म है थ्रू आउट तो ये भी कितना रहेगा, वी, वी हाँ और फाइनली वी डैश कितना हो जाएगा, 0। तो चलो अभी अगर आप देखते हो कि एज्यूमिंग एंटायर मोशन टू बी रेक्टिलिनियर मोशन द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ओवर द जर्नी टू द मैक्सिमम स्पीड बोला है। चलो कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड हियर। वी वी मैक्सिमम स्पीड होगा अभी देखो 0 से वी हो रहा है, वी से फिर वी है, फिर वी से वी डैश हो जा रहा है विच इज 0। तो मैक्सिमम स्पीड जो अचीव कर रहा है वो कितना है, वी है ना। सो मैक्सिमम स्पीड हियर इज वी, ये याद रखो। और अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो बोलो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम टोटल टाइम।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, समझ में आ रहा है ये? चलो, तो हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए, हमको टोटल टाइम चाहिए। बोलो इसके अंदर हमको टोटल डिस्टेंस, अगर आप देखते हो, बोलो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? 6 L ना। हाँ बोलो टोटल टाइम कितना होगा? मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, पे अटेंशन यार प्लीज। बोलो इसका टाइम मान लो है T1, इसका टाइम मान लो है T2, और इसका टाइम मान लो है T3। तो बोलो कहाँ से कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। हमको T1 T2 T3 का वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे, तो हमको T1 T2 T3 का वैल्यू चाहिए, और Vmax इक्वल टू V है, वो V का वैल्यू चाहिए। तो फिर अगर हम रेशियो लेते तो हमको आंसर मिल जाएगा। इतना क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ये? यस चलो, सर यस मूविंग फर्दर। अभी देखो आगे कैसा होगा। अभी ध्यान देना यहाँ पे, सर सबसे पहले मान लो अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। बोलो फर्स्ट में आई गो फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले पार्ट में मैं कहां से कहां गया? ए टू बी गया। तो बोलो ए टू बी में मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ना। यस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। चलो यहां पे ना ये एक्सेलरेशन को मैं ले लेता हूं A1, और ये एक्सेलरेशन को मैं ले लेता हूं A2। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ध्यान देना अभी यहाँ पे, पे अटेंशन यार। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, बोलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो बोलो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? कैन आई से V विल बी इक्वल टू U प्लस AT, सही है? तो पहला फॉर्मूला है V इज इक्वल टू U प्लस AT, जहां पे U का वैल्यू क्या है? 0 है। तो V मैक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? V क्या होगा? V विल बी लाइक दिस, V विल बी A1 into T। आप लोग हो यहाँ पे? हेलो। हाँ यस सर हाँ, यस सर सो वी यस जो होगा सर दिस विल बी AT1, सही है? हेलो। यस बोलो यस सर सेकेंड अगर मैं यूज करूं के इफ आई यूज के S इज इक्वल टू, ये T1 हो जाएगा यहाँ पे, A1 T1 हो जाएगा ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं, सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। बोलो बी टू सी, अगर कोई जरूरत होगा तो वहां पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अभी के लिए इतना लिखा है मैंने। बोलो बी टू सी में मोशन कैसा? यूनिफॉर्म है। कैन यू सी? हेलो। मोशन अगर यस सर यूनिफॉर्म है तो बोलो यहाँ पे यस फॉर्मूला सर कैसा होगा हमारा? स्पीड इज मोर डिस्टेंस ऑफ द स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो वी है अपॉन बोलो डिस्टेंस कितना है? 2 L ना, हाँ अपॉन क्या? टाइम। टाइम कितना है? T2। तो बोलो T2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? इट विल बी टू एल कैन आई बाई से वन एल बाई वी 2 L upon V। चलो क्लियर है? हेलो, सबको समझ में आ रहा है ये? यस यस सर, सर सर यस सर, लिंक बटन यस सर। चलो थर्ड में मोशन कैसा है? मोशन इज कैन आई से इट इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड ना यहाँ पे? हेलो। हाँ सर C2D, तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। बोलो यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे? इफ आई यूज V² इज इक्वल टू U² प्लस 2 S। तो बोले यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0 है। इनिशियल कितना है? V² है माइनस 2 into A2 इंटू ये कितना है? 3 L। तो बोलो फिर V² कितना हो जाएगा यहाँ पे? V² विल बी हाउ मच? कैन आई से इट विल बी टू एल टू सिक्स थ्री एल एल इंटू A2, सही है? यस तो A2 यहाँ से कितना हो जाएगा? सिक्स V² बाय 6L V² upon 6 L, सही है? ये मिला हमको, ये हमको A2 का वैल्यू मिल गया। और यहाँ पे और एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ मैं, दैट इज
वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ध्यान देना अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आगे, इसी में वी इज इक्वल टू अगर यू प्लस ए टी ले लिया मैंने, तो बोलो वी इज इक्वल टू यू प्लस बी, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितना है वी है, माइनस ए टू इंटू टाइम इज टी थ्री, तो बोलो टी थ्री कितना हो जाएगा, वी अपॉन ए टू, टी थ्री इज वी अपॉन ए टू, एंड टी वन इज वी अपॉन ए वन। सर सबको समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर, इतना क्लियर है? चलो मैं नेक्स्ट इज यहीं पे ना एक सेकेंड स्टेप ऐड कर देता हूं मैं। मान लो अगर मैंने ये वाला फॉर्मा यूज किया कि वी स्क्वायर इज ये, या ए टू बी में वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, बोलो यू स्क्वायर तो 0 है, ये हो जाएगा टू ए वन इंटू एल, टू ए वन इंटू एल, तो बोलो यहाँ पे ए वन क्या हो जाएगा, ए वन विल बी वॉट, कैन आई से इट विल बी अपॉन टू यस वी स्क्वायर अपॉन 2L ना। हेलो, यस यस इससे देखो हमको ना ए वन और ए टू का रिलेशन मिल जाएगा, वी विल गेट द रिलेशन ऑफ ए वन एंड ए टू, बोलो ए वन ए टू का रिलेशन क्या मिलेगा इससे, अगर ये वाला इक्वेशन देखते हो आप, ए वन इज वी स्क्वायर बाई 2L एंड ए टू इज वी स्क्वायर बाई 6L, तो वॉट इज द रिलेशन वी गेट, वन यहाँ इज पे टू लिख थ्री देता हूँ। वन इज टू थ्री वन इज टू थ्री हाँ, तो यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू, बोलो क्या हो जाएगा, ये 1:3 सही है कि 3:1 क्या होगा, वन इज टू थ्री वन जीरो थ्री तो बोलो ए टू क्या हो जाएगा फिर, ए टू, ए टू विल बी हाउ मच, ए वन ए टू विल बी 3A1, ये हमको रिलेशन मिल गया ए टू और ए वन का, सही है? हेलो सबको समझ में आ रहा है ये? अभी हाँ नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान हाँ दो, सर पे अटेंशन ये, अभी सी फ्रॉम योर, देखो हमारे पास है ना T2 का इंफॉर्मेशन है, वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ T2, मैं यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड में ऊपर क्या है 6L है, T1 और T3 उसको अभी के लिए रोकता हूं मैं, T2 को देखो, T2 को बोलो T2 कितना है, 12/V है ना, हाँ हो आप लोग यहाँ पे? हेलो, यस सर यस ओके, यस T2 यस इज 2L/V, बोलो अगर इसी के टर्म्स में मुझे T1 और T3 को भी लाना है, T1 और T3 को, तो कैसे लाना चाहिए मुझे, हाउ शुड आई ब्रिंग T1 एंड T3 हियर, जैसे अनिवान ए टू इज इक्वल टू 3A1, ये मिल गया मुझे, अब मुझे T1 और T3 चाहिए, वॉट शुड आई डू फॉर दैट, देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, ये स्टेप को समझो, बोलो T1 का फॉर्मूला क्या है, इट इज वी अपॉन ए वन ना, अब देखो यहां से बोलो वी का फॉर्मूला यहां से क्या आएगा, वी विल बी रूट ऑफ 2A1L, ध्यान से देखना प्लीज, वी क्या होगा, रूट ऑफ 2A1L बराबर है, हाँ हाँ तो बोलो अभी ये क्या हो जाएगा, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, टेल मी व्हाट डू आई गेट हियर, ये क्या मिलेगा मुझे, √2A1L अपॉन A1 हाँ रूट, ये हो जाएगा √2A1L/A1 ईयर। चलो क्लियर है सबको ये? हेलो सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर यस यस सर सर यस सर बोलो फिर T1 क्या होना चाहिए यहाँ पे, व्हाट शुड आई, व्हाट विल आई गेट एज T1, एज T1 हमको 12/V ना, हमको V के टर्म्स में चाहिए, एक सेकंड ना, A1 को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ एज V स्क्वायर बाई 12, या तो ऐसा ले लेते हैं इसको,
इससे अच्छा स्टेप ये हो जाएगा, वी को सब्स्टिट्यूट ना करके ना हम ए वन को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा आंसर और एक कम स्टेप में आ जाएगा। देखो ऐसे यहाँ पे फाइव से कि ये टी वन जो है वी बाई ए वन है, तो इसको ले लेता हूँ मैं वी, और ए वन को ले लेता हूँ मैं वी स्क्वायर बाई टू है, तो बोले यहाँ पे क्या होगा, दिस विल कैंसिल आउट ना, ये एक एक वी चला जाएगा, तो बोलो इसका आंसर कितना आएगा फिर, ये ए वन बराबर लिखा है ना मैंने, हाँ वी स्क्वायर बाई टू है, टू एल अपॉन तो क्या हो वी, जाएगा, टू एल हाँ अपॉन टू वी। एल अपॉन वी हो जाएगा, ऐसा ही है। यस उसी हाँ तरीके से ना, उसी तरीके से अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, बोलो टी थ्री को ले लूं, टी थ्री को देखो, टी थ्री क्या है, इट इज वी अपॉन ए टू, क्या आया ए टू, इट इज वी डी ए स्क्वायर, वन वी स्क्वायर अपॉन सिक्स एल। वी स्क्वायर अपॉन सिक्स एल ना, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सही है, तो बोलो ये कितना आ जाएगा, सिक्सल सिक्स अपॉन वी अपॉन एल सिक्स एल अपॉन वी, सही है। लाइक दिस यार, चलो इज इट फाइन, हेलो सिक्स एल अपॉन वी आएगा, सही है। तो बोलो आपको क्या हाँ मिल गया यहाँ पे, टी वन मिल गया, टी थ्री भी मिल गया यहाँ पे, और आपके पास टी टू तो है ही, सही है। तो यहाँ पे देखो अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, कैन आई से इट इज सिक्स एल, टोटल सिक्स एल अपॉन वॉट, बोलो व्हाट इज टी वन, टू अपॉन एल वी, अपॉन वी, व्हाट इज टी टू, टू एल बाय टू डी, एल अपॉन वी, टू एल बाय वी, टू एंड व्हाट एल इज बाय टी थ्री, सिक्स सिक्स एल वाई वी एल अपॉन अपॉन वी, वी, एल अपॉन वी। तो बोलो क्या हो जाएगा ये, अभी आगे दिस विल बी सिक्स एल अपॉन, बोलो टेन एल बाय अपॉन वी, सही है। तो बोलो ये एल एल कैंसिल, बोलो ये कितना हो जाएगा, सिक्स वी बाय टेन ईयर, सही है। यस ये है वी एवरेज, ये क्या है वी एवरेज, नाउ टेल मी हमको किसका रेशियो चाहिए, वी एवरेज अपॉन वी मैक्सिमम का, मैक्स तो बोलो वी एवरेज अपॉन वी मैक्स कितना होगा, कैन आई से इट इज गोइंग टू बी व्हाट, ये हो जाएगा वी एवरेज कितना होगा, अपॉन सिक्स वी अपॉन टेन ना, और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा हमको टेल मी, वी वी मैक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, वी कैन आई से वी वी कैंसिल, बोलो आंसर कितना आएगा, थ्री बाय फाइव, आंसर कितना आएगा, थ्री बाय फाइव, यस और नो, ये यस स्टेप नहीं भी किया तो भी चलता है, इसका कुछ सर यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं, ए वन अपॉन ए टू का, ठीक है दैट इज ऑल फाइन, हो गया ऐसा, चलो क्लियर है ये, यस सर यस सर, हाँ वन सेकेंड देख लो, वापस वैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया है जिसमें हमको तीन स्टेप में मोशन दिया होता है, पहले वो एक्सेलरेट करेगा, फिर यूनिफॉर्मली चलेगा, और फिर डिसेलरेट कर जाएगा, सो इन थ्री पार्ट द मोशन इज गोइंग ऑन, और ये तीन पार्ट के मोशन, तो ये इस तरीके से काम करता है, फिर तीन पार्ट के मोशन को, ए से बी को हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन बताया, बी से सी को यूनिफॉर्म मोशन, और सी टू डी को यूनिफॉर्मली रिटार्ड है, और फिर सब कैलकुलेशन किया एंड वी गॉट द आंसर, चलो सबको समझ में आ रहा है, हेलो हाँ सर यस सर चलो फाइन, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है चलो आगे बढ़े, हेलो यस सर यस सर यस सर चलो फाइन, नेक्स्ट इज कौन सा था, आपने कौन सा बोला, क्वेश्चन नंबर 30 30, 30 वाला देख लो भाई, थर्टी में देखो क्या दिया है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या दिया है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 7x इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, वेर एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड
हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। चलो अभी ध्यान देना है यहाँ पे। इफ आई कंसिडर योर कि मान लो ये ग्राउंड सरफेस है ऐसा लाइक दिस ईयर, तो अभी नेक्स्ट क्या होगा बोलो। मान लो एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ड्रॉप किया है उसको, तो बोलो यहाँ पे यू का वैल्यू कैसा है? जीरो है ना। यस हाँ, यहाँ से नीचे आएगा ऐसे। और यहाँ पे आके गिरेगा ऐसे, ये पूरा जर्नी हो रहा है उसका। सही है। हेलो, तो अभी देखो हाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड मान लो ये जो पूरा मोशन है ना वो 30 सेकंड्स के लिए चला है। दिस इज फॉर 30 सेकेंड्स। अभी ये जो लास्ट सेकेंड है उसमें ऐसा, लास्ट सेकेंड में वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो 7x है। कैन आई से लास्ट सेकेंड मतलब क्या? 30 सेकेंड ना। हेलो, यस यस सर। और वो फर्स्ट सेकेंड जो है, फर्स्ट सेकेंड मतलब टी, यहां पे अगर मैं ले लिया दिस इज फर्स्ट सेकेंड ईयर, बोलो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने? व्हाट इज द डिस्टेंस कवर ईयर? एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। यहां पे कितना होगा टेल मी? ये डिस्टेंस कितना है? एक्स ना। हाँ, बोले यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? दिस इज एक्स। एक्स एंड दिस इज व्हाट, 7x है। सही है। हेलो, फर्स्ट सेकेंड एक्स, इन द 30 सेकेंड 7x। हेलो, समझ में आ रहा है ये? यस सर। अभी कैन आई से बोलो फर्स्ट सेकेंड मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है? 1 ना। हाँ बोला हमारा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू व्हाट? यू प्लस ए ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। सही है। एस एन इज इक्वल टू व्हाट? यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। फाइन, सर। तो बोलो फिर क्या हो जाएगा ये? एस एन मतलब S1, यू तो 0 है, ए कितना होगा? जी ना, जी बाई टू। अभी देखो जो S1 डिस्टेंस है मतलब X का जो डिस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस, और जो G होगा वो भी माइनस होगा। सही है। बोले हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 वन। माइनस। ये समझाना, S1 जो X है वो भी माइनस होने वाला है और जो G है वो भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। X कितना होगा? G बाई टू इंटू 1, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 5 मीटर। बाय तो बोलो इन 8 सेकेंड यहाँ पे मतलब एन किसके इक्वल है? टी के ना। हेलो, हाँ अरे लास्ट सेकेंड मतलब समझे ना, 30 सेकेंड पूरा मोशन किसके लिए चल रहा है? 30 सेकेंड्स के लिए। तो लास्ट सेकेंड मतलब क्या? 30 सेकेंड मतलब एन किसके इक्वल है अभी? टी के। बोलो एन यस अगर टी के इक्वल है तो एस एन क्या हो जाएगा? यू प्लस ए बाई टू। टू इंटू टू एन माइनस वन। बोलो इसमें उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 7x ना, हाँ और ये तो 0 है, और ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी प्लस 10/2 इंटू 2 इंटू टी माइनस 1। सी अभी मैं साइन लेना है तो आपको साइन ले लो यहाँ पे। देखो ऐसा होगा साइन, इफ यू वॉन्ट टू टेक द साइन ईयर इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। बोले क्या लिखा जाएगा? दिस विल बी -7x ना। तो बोले ये कितना हो जाएगा? -7x। ये हो जाएगा 0 -10/2 जी का वैल्यू, और ये हो जाएगा 2t माइनस 1। बोले एक्स का वैल्यू कितना है? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। एक्स का वैल्यू कितना है? 5 है ना।
तो 7 into 5 इज 5 into 2t-1। तो बोलो ये 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। टेल मी क्या मिलेगा हमको? दिस विल बी 2t विल बी इक्वल टू व्हाट? 7+1 ना। तो यस बोलो सर, 2t विल बी इक्वल टू व्हाट? 8। फोर तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। ठीक है, मेरे कितना हो जाएगा? 4 सेकेंड। यस और नो? यस 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 सर सर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। इज इट फाइन? सबको समझा ये? यस यस सर, यस सर सर, यस यस सर। सर चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू, बोलो और कौन सा क्वेश्चन है? 31 थर्टी वन30 ये पेज पे सारे हो गए 30 तक। हेलो, आर वी डन? यस यस सर सर, यस सर। चलो 31 इट इज ओवर ना, आगे बढ़ते हैं। सॉरी 30 तक ओवर है ना ये, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पेज। चलो फ्रॉम 31 to 38, 31 से लेके 38 तक कौन सा डाउट है बताना। 31 बोला ना आपने, ठीक है चलो 31 देख लेते पहले। 31, 32, 33 सही है, धड़ाधड़ मेरे से होमवर्क करा दो जाओ फटाफट। 31, 32, 33। 38 हाँ, अरे बाबा कर तू, अभी 31, 32, 33 बोला वो तो करने दो, वो हो गया क्या? रुक जाओ भी जरा, 31, 32, 33 सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम 34 पे जाते हैं। चलो 31, चलो व्हाट इज गिवन इन 31? पे अटेंशन हियर, कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? अगर आपको याद होगा तो पता है स्टॉपिंग डिस्टेंस का मैंने आपको एक रिलेशन दिया था, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मैंने आपको एक रिजल्ट फाइंड आउट करके दिया था जब हमने क्लास वर्क क्वेश्चन किए थे, याद है? यू कैन सी इन दी क्लास वर्क एमसीक्यूज एक रिजल्ट था, एस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वेयर। एस इज प्रोपोर्शनल टू वॉट? यू स्क्वेयर, स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए। जरा जाके देखना आपके क्लास वर्क में क्वेश्चन है, लेट मी नो, है ना? हेलो, कौन हाँ है सा क्वेश्चन है? टेल मी द क्वेश्चन प्लीज। 11th। हाँ क्वेश्चन नंबर 11, लेवल बी क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको रिजल्ट दिया हुआ है कि एस किसको प्रोपोर्शनल होता है? यू स्क्वायर को। दिस इज सेड टू बी स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो बोलो अभी इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो S2 upon S1 क्या हो जाएगा? इट विल बी U2 upon U1 का स्क्वायर। तो बोलो S2 हमको फाइंड आउट करना है, S1 2 है, U2 कितना है? इट इज 80। एंड U1 कितना है? 40 का स्क्वायर। तो बोलो ये कैंसिल हुआ 1, ये कैंसिल हुआ 2,
टू का स्क्वायर 4, तो बोलो एस टू कितना हो एट जाएगा? इतना ये खत्म। एस टू एस मीटर। चलो क्लियर है ये, समझा आपको? 31। क्वेश्चन यस सर। नंबर 11 मिला कि नहीं? उसके अंदर सॉल्यूशन में लिखा हुआ है मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस करके, मिला आपको? मैं हुआ आप लोग यहाँ पे? हेलो, सर वो 12th सम है। वो हाँ सर, 12th वाला क्वेश्चन है। 12th तो क्वेश्चन है। तो कौन बोल रहा है 11 भाई? देखो इधर, ये कौन सा है? 12th वाला। ओके, 12th में दिखा। हाँ हाँ चलो ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। इज इट क्लियर विद एवरीवन? तो यस सर। यस नेक्स्ट सर। इज 32। पे आता है थर्टी टू में, दो क्या दिया है? अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम एंड 5 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द मोशन इज, ठीक है ध्यान देना है यहाँ पे। हाउ डू वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 32? में ऐसा बोला है कि एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है ऐसा, लाइक दिस इधर। तो ये पूरा मान लो जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे, बेस्ट डिस्टेंस ये है, ऐसा ले लिया। ये जो डिस्टेंस है पूरा मान लो, ये जो है ये एस है, दिस इज एस ईयर, ये एस है यहाँ पे। तो इसमें से ऐसा बोला है कि अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां तक ऐसा, तो बोलो ये कितना हो जाएगा? एस बाय थ्री ना, तो एस बाय थ्री के लिए उसका स्पीड कितना है? मान लो ये वी वन है, यह है 3 मीटर पर सेकेंड, सही है। द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड 5 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। अब मान लो यहां से यहां पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है ना, मतलब ये मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहां से यहां पहुंचने का टाइम मान लो टी वन है, और यहां से यहां पहुंचने का टाइम जो है पूरा दैट इज टी टू ईयर। तो टी टू है यहाँ पे। तो देखो क्या बोला अभी स्टेटमेंट का, समझ आता? रिमेनिंग डिस्टेंस अभी कितना बच गया? 2s/3 ना। हेलो, यस सर। 2s/3, तो ये 2s/3 वो कंप्लीट करता है टाइम टी टू में, सच दैट हाफ ऑफ द टाइम उसका स्पीड कितना है? 5, और अदर हाफ ऑफ द टाइम उसका स्पीड कितना है? 4। तो अभी मान लो यहाँ पे ये टाइम पूरा टी टू लगा, तो यहाँ पे ये जो टाइम है दिस इज T2/2, तो यहाँ पे स्पीड कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड, और
यहाँ पे वंस अगेन ये कितना होगा T2/2, और यहाँ पे स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। चलो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सब कुछ समझ में आ रहा है ये? यस सर तो हमको पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ईयर। बोलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हाट विल बी एवरेज स्पीड ईयर? टोटल इट विल बी डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। बोलो टोटल डिस्टेंस कितना है ये? कैन आई से इट इज S/3 प्लस 2S/3, या तो सीधा एसी ले लो इसको। ये हो जाएगा एस अपॉन टोटल टाइम कितना है? अपॉन टी टी वन वन प्लस टी टी टू अभी हमको T1 और T2 फाइंड आउट करना है। तो बोलो T1 का क्या हो जाएगा? कैन आई से अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड? तो इसके लिए तो स्पीड ए से बी के लिए तो स्पीड कांस्टेंट ही है ना। हेलो यस यस सर बोलो ए टू बी मोशन कैसा? यूनिफॉर्म है। हाँ तो बोलो फॉर्मूला कौन सा यूज करो? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। यस तो ये हो सर जाएगा, सर हाँ ये हो जाएगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे? T1 विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस इज S/3, S/9 और ये स्पीड कितना होगा 3। तो बोलो T1 कितना हो जाएगा? S/9। ये होगा S/9, दिस विल बी S/9। तो चलो मुझे T1 मिल गया विच इज S/9। नेक्स्ट बोलो और क्या है? कैन आई से अभी B2C में जाता हूं, अगर मैं मुझे ना अभी T2 का वैल्यू चाहिए। बोलो T2 का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा अभी? कैन आई से द वैल्यू ऑफ T2 इज गोइंग टू बी हाउ मच? बोलो अभी अगर मैं इतना सा पार्ट लेता हूँ, मान लो ये जो है ना, ये दिस ईयर है, दिस पॉइंट ईयर जो मैं यहाँ पे येलो से लिख रहा हूँ, मान लो ये डी है, दिस इज डी ईयर, दिखा ये डी। हेलो तो यस सर मान लो यस मैं इसको सर स्प्लिट करता हूँ फ्रॉम B2D ले लिया। बोलो B2D के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कहना से डिस्टेंस, मान लो ये वाला जो पार्ट का डिस्टेंस है, पूरा जो डिस्टेंस है वो 2S/3 है। द होल डिस्टेंस हियर इज 2S/3, बट ये B2D का डिस्टेंस कितना होगा? तो मान लो वो वाले डिस्टेंस को मैं कंसिडर कर रहा हूँ एज S1 B2D का। तो बोलो S1 कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी S1 ईयर? स्पीड इनटू टाइम ना। तो ये हो जाएगा 4 × T2/2। तो बोलो S1 कितना हो जाएगा? कैन आई से इट विल बी 2T2। एंड D2C के लिए बोलो S2 कितना हो जाएगा? 5 × T2/2। तो S2 विल बी 5/2 T2। चलो क्लियर है? हेलो सबको समझ में आ रहा है? यस सर यस आप सर बोलो S1 + S2 क्या होता है? S1 + S2 कितना है यहाँ पे? 2S/3 ना। तो S1 कितना है? S1 is 2T2, और S2 कितना है? 2.5T2, ऐसा ले लिया मैंने। और यह है 2S/3। तो बोलो T2 कितना हो जाएगा अभी? T2 अंदर होगा 4.5, एंड दिस विल बी 2S/3। तो कहना से T2 इज गोइंग टू बी हाउ मच? 2S/3 × अगर इसको ले लिया मैंने 9/2, तो बोले कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4S/27। ये हो जाएगा T2। चलो सबको समझ में आ रहा है? हेलो आ
अभी इसको एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड बोलो कितना है, बोलो टोटल डिस्टेंस कितना है, एस अपॉन टी वन कितना है, एस बाय नाइन प्लस ये कितना है फोर एस 27s अपॉन 27। सही है, बोलो अगर यहाँ पे एलसीएम एस को कॉमन ले लिया तो कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्या बच जाएगा, वन अपॉन वन बाय नाइन प्लस 4/27, तो बोलो ये कितना होगा 3/27, एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाएगा, ये 27/7, बोलो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा, 4। 3.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा कैलकुलेट करके देखा गया 3.8 आ रहा है, सही है, 27/7 विल बी 3.8, बराबर है, तो 3.8 आएगा इसका आंसर, 3.8 भी ऑप्शन में है, फाइन, तो फिर अप्रोक्सीमेटली के मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.8 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, हेलो सबको समझाइए, हाँ यस सर। दिस इज हाँ क्वेश्चन नंबर 32। चलो फाइन, हेलो, यस सर यस सर चलो ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32, क्लियर है सबको? 33 पे आते हैं अभी, थर्टी थ्री में तो क्या दिया, 33 एंड 34, 33 में क्या दिया हुआ है, सेज दैट अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी आफ्टर एन सेकेंड्स इज वी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड्स इज, ओके तो रेस्ट पे स्टार्ट कर रहा है फॉर एन सेकेंड्स, इज वी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड्स। हाँ देखो यहाँ पे अभी कैसे होगा, देखो ध्यान देना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 33, ये सब सी, अभी ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अगर आपको कहीं पे नहीं आ रहा है तो इट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, ये सब एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम इजी इजी क्वेश्चन और आपको आ जाने चाहिए, करके हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत लॉजिक है और एक तरीके से कुछ स्टेप्स लेके इसको सॉल्व करना पड़ रहा है, तो इट इज नॉट दैट इजी टू गेट क्लिक्ड विद एवरी पर्टिकुलर स्टेप, कहीं ना कहीं आप फंसोगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा, देखते जाओगे समझते जाओगे तो आप सीखते जाओगे, इसीलिए डाउट आ रहा है तो कोई बात नहीं, सी टू इट, मैंने आपको पहले ही बोला इट इज गोइंग टू टेक यू 5 to 6 months टू अडेप्ट टू द सब्जेक्ट, तो हैव सम पेशेंस, करते रहो सॉल्व, आते जाएगा वो, ये स्कूल का फिजिक्स नहीं है भाई, ये 2-4 चैप्टर है, 10-12 क्वेश्चन है, सॉल्व किया खत्म हुआ, इसमें आपको सोचते रहना पड़ेगा और चीजें करती रहनी पड़ेगी। चलो देखो यहाँ पे ऐसा बोला है कि अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, मान लो यहाँ पे यू का वैल्यू कितना है, 0 ना, सही है, मान लो यहाँ पे ये पूरे जर्नी के लिए, अभी वेलोसिटी आफ्टर एन सेकेंड यहाँ पे वी हो जा रहा है, और ये पूरा जो जर्नी है यहाँ पे टी जो है वो एन सेकेंड है, बराबर है, अब हमको ऐसा बोला है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट 2 सेकेंड्स, तो मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, यहां से यहाँ जो टाइम है वो 2 सेकेंड्स है, इज इट फाइन, हेलो, तो यहाँ पे मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका जो वैल्यू है, मान लो ये एक्स है यहाँ पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट है जो हमको फाइंड आउट करना है इन द लास्ट 2 सेकेंड्स, उसको ले लिया है हमने एक्स, और ये एक्स कितना है यही हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, चलो इज इट क्लियर,
तो बोलो अगर ये पूरा n सेकेंड्स है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए टू बी, पूरा n सेकेंड्स है, और ये मान लो ये पॉइंट सी है, सी टू बी का जो टाइम है वो 2 सेकेंड्स है, तो बोलो ए टू सी का टाइम कितना होगा? एन माइनस टू n माइनस 2 सेकेंड्स, इट इज गोइंग टू बी n माइनस 2 सेकेंड्स। तो बोलो अभी अगर मुझे सी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सिंपल हो गया ना ये, तो सी बी क्या होगा? सी बी इज गोइंग टू बी वॉट, टेल मी। बी माइनस वॉट, कैन आई से इट इज गोइंग टू बी ए बी माइनस एसी ए सी। एसी चलो क्लियर है सबको? हेलो, इज इट फाइन? सब कुछ समझ में आ रहा ही है? यस सर यस यस सर चलो ना, इफ आई कंसीडर फ्रॉम ए टू बी, सबसे पहले फॉर ए बी, बोलो ए बी के लिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाउ डू आई फाइंड आउट? बोलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए यहाँ पे? आई शुड यूज द इक्वेशन, विच इक्वेशन? एस इज इक्वल टू स्पीड यू टी इक्वल प्लस टू हाफ ए टी स्टेप स्क्वायर। हेलो, बराबर बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर यस ओके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो मैं यूज कर सकता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए है, अगर मैं यूज करूँ एस इज इक्वल टू, तो ये एस कितना हो जाएगा? दिस विल बी एस विल बी हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर, और अगर मैं दूसरा इक्वेशन यूज करता हूँ दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। चलो यहाँ पे अगर ये वी स्क्वायर लिया तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस विल बी क्या नाम से, ये हो जाएगा 0 प्लस, या तो हम लोग डायरेक्टली अगर देखो ये सब ना करके भी ठीक है, ये लिख के रखता है, देख तो आगे क्या आता है। ये ना रिलेशन थोड़े दो तीन इक्वेशन बन के फॉर्म होगी, तो इसे थोड़ा चेक करना पड़ेगा हमको क्या आएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 2 ए एन, सॉरी 2 ए एस, और एस का वैल्यू हमको पता है, दिस इज 2 ए, ये एस कितना है? इंटू हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ऑफ गया। चलो ये हो जाएगा वी इक्वल टू ए एन। अभी आपको ये सर इक्वेशन वी प्लस ए टी से भी मिल जाता है डायरेक्टली, वो मैंने थोड़ा एक दो स्टेप मेरे से ज्यादा हो गया, दैट इज फाइन। चलो वी कितना आया? ए एन आया, बराबर। हेलो, यस अभी नेक्स्ट क्या होगा टेल सर मी। सर लास्ट 2 सेकेंड्स के लिए सिर्फ SN का फॉर्मूला ये नहीं कर सकते अप्लाई? दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर सेकेंड ना, 2 सेकेंड्स के लिए कैसे अप्लाई करूं? नहीं, एन दोनों अप्लाई करके माइनस ऐड करना है अलग अलग। वापस बोलना, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, बोलो वापस। सर दोनों सेकेंड्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करके ऐड किया तो? मतलब 2 सेकेंड को आप दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हो ऐसा, यस सर। मतलब 1 1 सेकेंड इस तरीके से। हाँ वैल्यू क्या ले रहे हो आप उसके अंदर? टी इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड ऐसा। नहीं, एन और एन माइनस वन। समझा मैं यहाँ पे, दिस विल बी एन, अच्छा लास्ट सेकेंड, हाँ वैसा भी कर सकते, बराबर है, नाइस। ठीक है, तो उसको क्या किया, ऐड कर दिया है सर। तो कितना हो जाएगा यू प्लस टोटल डिस्प्लेसमेंट, हाँ वो भी ले सकता है जो ऐसा करेगा, अगर इसको अगर ये लास्ट 2 सेकेंड्स को
ब्रेक कर दिया अगर ऐसा कि दिस इज लास्ट सेकंड जो होगा वो टी इक्वल टू एन सेकंड्स होगा। नाइस। और ये जो होगा इसके लिए टाइम जो होगा ये इसके 1 सेकंड पहले ले लिया आपने, दिस इज लास्ट सेकंड। 2 सेकंड को एक एक सेकंड में स्प्लिट किया तो एक हो जाएगा टी इक्वल टू एन सेकंड्स और एक हो जाएगा टी इक्वल टू एन माइनस वन। फाइन फाइन फाइन। तो फिर अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँ, ठीक है, ये अगर हम यहाँ पे ऐसा ले ले, ये हटा के देख लेते, ये कर लेते, इससे शायद आएगा आंसर फटाफट। नाइस। ये करके देख लेते हैं यहाँ पे। ऑल फाइन। तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? एस एन। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन टू टू एन माइनस वन। तो बोलो एस एन यहाँ पे हो जाएगा, पहले एस एन ही रहने देते इसको, और फिर दिस विल बी यू तो जीरो है, ए तो ए ही होगा, ए बाई टू ये हो जाएगा टू एन माइनस वन, और फिर यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच एस एन माइनस वन, ये हो जाएगा यू प्लस या जीरो प्लस टू इंटू एन माइनस वन माइनस वन। तो एस ऑफ एन माइनस वन विल बी ए बाई टू, ये हो जाएगा टू एन माइनस टू माइनस वन। तो दिस विल बिकम हाउ मच, ये हो जाएगा ए बाई टू इंटू टू एन माइनस थ्री। चलो सही ना। अभी क्या होगा, आपके पास एस एन है यहाँ पे, दैट इज ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, और आपके पास एस एन माइनस वन है, ये दोनों को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, सी बी मिल जाएगा हमको, सी बी विल बी एस एन प्लस एस एन माइनस वन। तो एस एन कितना है, इट इज ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन प्लस ये है ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन टू एन माइनस थ्री। तो ए बाई टू कॉमन हो गया, बोलो अंदर क्या बच जाएगा, टू एन माइनस वन प्लस टू एन माइनस थ्री। क्लियर है? हेलो। सो आगे क्या होगा, ए बाई टू इंटू ये हो जाएगा फोर एन माइनस फोर, विच विल बिकम सी बी जो होगा ये हो जाएगा फोर, फोर यहाँ से कॉमन हो गया तो दिस विल बी टू ए इंटू वन माइनस वन। अब अगर मैं यूज करूं कि पूरे मोशन के लिए वी इक्वल टू ए से बी के लिए इफ आई यूज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ए बी के लिए, तो वी रहेगा यहाँ पे, फाइनल वी है, और ये जीरो हो जाएगा प्लस ए इंटू एन जो हमारा स्टेप आया था, पर हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो वी क्या होगा, ए एन। तो हमको क्या चाहिए अभी, ए चाहिए ना, ए हो जाएगा वी बाय एन। तो अभी सी बी विल बी वॉट, टू वी इंटू एन माइनस वन अपॉन एन। चलो समझाइए। नाइस नाइस आइडिया, चलो सही है, अच्छी बात है। चलो क्लियर है आंसर? हेलो सर।
हेलो, क्लियर है ए सबको? हाँ सर ए बी माइनस ए सी करके भी कर सकते हैं ना। वो ए बी माइनस ए सी भी करके, ए बी माइनस क्या है ए सी, वो भी चलेगा। उसके अंदर खाली थोड़ा हाँ सा स्टेप सर, एलोंगेट वो हो जाएगा, चार और कुछ नहीं, स्टेप्स में आता है सर। थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ये थोड़ा सा बेटर वे है करने का, और कम कॉम्प्लिकेशन से आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, हाँ ऑल फाइन, सबको क्लियर है ये 33? हेलो, यस यस सर, यस यस सर। ओके, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी नेक्स्ट कौन सा है? 34। ये आप लोग को सच में डाउट आता है ना भाई, के बैठ के बदला लेते हो कि भाई सब कराओ इसे सॉल्व, भरोसा नहीं भाई आप लोग का। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है। अभी अभी 34 तम ही नहीं हो रहे। चलो 34 में देखो क्या दिया है यहाँ पे, पे अटेंशन ही। थर्टी फोर इज समथिंग विच हैज कम इन नीट एग्जामिनेशन। ये नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो इस केम इन आई थिंक नीट 2019 में आया था ये क्वेश्चन। दिस वाज आंसर नीट 2019। टू जीरो वन नाइन में आया था ये। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम देम, टी इज इक्वल टू एन माइनस वन टू टी इक्वल टू एन। तो फिर एस एन अपॉन एस एन प्लस वन क्या होगा? एन जो दिया है, टाइम दिया है ना, तो आप निकाल लो ना, इसमें कैलकुलेट कर लो क्या होगा यहाँ पे 34 में। बोलो एस एन क्या होगा? यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन बराबर है, यू तो जीरो है, रेस्ट पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो एस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। और एस एन प्लस वन क्या होगा? यू प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू एन प्लस वन माइनस वन। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी एस एन प्लस वन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, दिस विल बी यू तो जीरो है, दिस विल बी ए बाई टू इंटू टू एन प्लस टू माइनस वन, जो हो जाएगा ए बाई टू इंटू टू एन प्लस वन। तो बोला अभी रेशियो किसका बोला है? एस एन अपॉन एस एन प्लस वन ना। बोलो कितना हो जाएगा ये? एस एन कितना है? ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन अपॉन ए बाई टू इंटू टू एन प्लस वन। ये कैंसल हुआ। इसका आंसर कितना है? टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन। चलो क्लियर है? हेलो, यस ये सर, नल्ला फालतू क्वेश्चन है, खाली ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए सब दिया होता है। स्मॉल ब्लॉक मूव्स अलोंग द सरफेस, ना इंक्लाइन प्लेन, ना ये ना वो। ढंग से अगर क्वेश्चन को देखते हो ना, तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सर खाली डेटा यहाँ करने के लिए बोला। बोलो। यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी। अरे ये जो फॉर्मूला है एस एन वज इज इक्वल टू वाला, वो ग्रेविटी वगैरह कुछ भी एक्ट करे, एक्सेलरेशन तो ऐसे भी कैंसिल ही हो रहा है ना। आपने एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट किधर किया है? इधर दिख ओके रहा है, इधर सर, ए है ऊपर और नीचे। अगर आप ग्रेविटी वगैरह यहाँ पे लोगे भी, तो जी जी तो इवेंचुअली कैंसिल ही हो जाएगा ना। ओके सर, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 समझा? यस सर।
चलो दैट इज क्वेश्चन नंबर 34, आगे बढ़ो। सर थर्टी फोर क्वेश्चन के नंबर बाद 35 वेक्टर से सॉल्व होता है ना? एक सेकंड ना, मेरे को देखने दो, ये हो गया ना सबका, 34 35 देखने दो जरा क्या है। जी, अ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इज चेंज इन इज वेलोसिटी वेस्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। हाँ, एक्सेलरेशन जो होगा दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। देखो ऐसा होगा ये, चलो देख लेते हैं। वेक्टर का फॉर्मूला यूज होगा, आप लोग को वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया। हाँ हाँ सर, हाँ 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 सर, सर, हो गया हो गया। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। वो देखो अभी यहाँ पे 35 में और कौन सा डाउट है इसके ऊपर, वो भी बता दो भाई। 38 है ना एक, 38 और कौन सा है? 38 35 है, और कौन सा है? 38 36 भी पूछ लिया, किसी ने पूछ ही लिया, 36 भी नहीं छोड़ा कुछ भी। एक क्वेश्चन छोड़ा है 37 वाला, वाह 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 वाह। चलो आ जाओ 35 देख लो अभी यहाँ पे, 35 में क्या दिया है। थर्टी फाइव अन अल्फा पार्टिकल है एक्चुअल में, इन अ साइक्लोट्रॉन चेंजेस इट्स वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर सेकेंड साउथ टू 30 किलोमीटर पर सेकेंड वेस्ट। ओके, इन 10 सेकेंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। अब देखो ऐसा है, पहले वो कहाँ जा रहा था? इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स साउथ, ऐसा। ये साउथ की तरफ जा रहा है, ऐसा बोलो, साउथ की तरफ जा रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर, मतलब अगर मैं यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में यहां पे बात करूं तो बोलो ये कितना हो जाएगा, माइनस यस 40 जे कैप ना। हेलो, सर, यस सर, दिस विल बी -40 जे कैप। V1 होगा ये, और V1 होगा -40 जे कैप, लाइक दिस ईयर। और फिर वो कहाँ चला जाता है? वेस्ट में, वेस्ट। इट विल मूव टूवर्ड्स वेस्ट लाइक दिस ईयर। ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा चला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलो V2 हो जाएगा ना ये, -30 आई कैन बोलो प्लस के माइनस। -30 आई कैन 30 I can, क्या बोलते हो? सही है, आशा। बोलो। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। V2 bar -V1 bar अपॉन टाइम, और हमको यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला, मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे भी इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ऐसा।
V2 बार माइनस V1 बार लिया अगर मैंने, कितना हो जाएगा? व्हाट इज V2 बार यार? -30 I क्या? और ये सर हो जाएगा V2 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा? 40 J क्या? सही है। बोलो हाँ सर अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 30² प्लस 40² हाँ तो यहाँ पे दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ V2 बार माइनस V1 बार विल बी व्हाट? रूट ऑफ 30² प्लस 40² वेरी गुड। V2 बार माइनस V1 बार इज रूट ऑफ 40² प्लस 40² जो कितना आएगा? 59 50 50 किलोमीटर पर सेकेंड। चलो समझ में आ रहा है। ये तो बोलो अभी आपका एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50। डिवाइडेड बाय 10 5 तो बोलो ये कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस और नो? यस 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 सर यस सर इसका आंसर होगा, दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। चलो सबको समझ में आ रही है। यस ओके सर चलो आगे बढ़ो। सर और कौन सा? 36 एंड 38। हाँ बोलो। सर पर यहाँ पे दोनों वेक्टर्स के टेल्स जॉइंट नहीं है तो फिर भी वेक्टर्स का फॉर्मूला लगता है। भाई टेल ज्वाइन क्यों नहीं है? ये जो V2 है, V2 मैं उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ ना ऊपर की तरफ। हाँ ये जो है ये कैन इट बी मूव्ड हियर पैरेलली? ये तो सीखा होगा ना कि वेक्टर कैन बी मूव पैरेलल टू इटसेल्फ। हाँ यस यस तो ये यहाँ पे आ सकता है कि नहीं? हाँ ओ बाबू, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? सर तो चिपक गए ना टेल उनके, और क्या चाहिए? सही है, सर ठीक है। चलो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35। इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस चलो सर यस सर अभी कौन सा? 36 एंड 38 ना? बराबर। हाँ चलो 36 में लोग क्या दिए है? ऑन टर्निंग अ कोमर अ मोटरिस्ट, कोमर लिखा है, कॉर्नर होगा प्लीज। दिस विल बी ऑन टर्निंग अ कॉर्नर अ मोटरिस्ट रशिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड फाइंड्स अ चाइल्ड ऑन द रोड 107 मीटर अहेड। ही इंस्टेंटली स्टॉप्स द इंजन एंड अप्लाइज द ब्रेक सो एज टू स्टॉप द व्हीकल विद इन 1 मीटर ऑफ द चाइल्ड। वॉट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट? चलो क्या होगा यहाँ पे? हेलो कितना डिस्टेंस है? बोलो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हो तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलो डिस्टेंस कितना होगा? 1 मीटर के पहले रोकना है तो 106 मीटर्स कितना होगा? 106 ना? हेलो हाँ यस सर यस यस देखो अभी यहाँ पे कैसा होगा ये क्वेश्चन। 36 36 में अभी देखो मोटरिस्ट रशिंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, ये इसका इनिशियल स्पीड है। रुक गया बच्चे को देख के। फाइनल स्पीड कितना हो गया? 0। और कितने डिस्टेंस पे रुका वो? 106 मीटर। चलो सबसे पहले अभी हमको टाइम फाइंड आउट हो। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? एक्सेलरेशन ना, दैट इज रिटार्डेशन, ब्रेक मार रहा है ना वो। तो V2 इज इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो टेल मी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस में अभी क्या मिलेगा हमको? बोलो वी कितना है, 0 है। जीरो यू कितना है? 46 यू एस 40 का स्क्वायर बोलो माइनस क्या होगा यहाँ पे? या तो प्लस ही रहने दो, ये अपने माइनस में आ जाएगा। ये ए इंटू बोले कितना है, 106। तो बोले ये कितना हो जाएगा, दूसरे -1600 अपॉन 2 इंटू 106 कितना होगा? 212 212 चलो ए कितना आएगा जरा बताना मुझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? सेकेंड स्टेप क्या होगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। -7.54 आता है। -7.54 फाइव क्लियर है फोर सबको, आ रहा है आंसर? हाँ सर हाँ यस सर सर चलो ठीक है। तो अभी आपका वी जो है वो तो 0 है, यू तो आपका 40 है, और ये हो जाएगा माइनस ए कितना है, 7.54 इंटू टाइम। तो टाइम कितना होगा, 40 32 अपॉन 7.54। और अगर ये 8 होता तो ये 5 आता, 5 से थोड़ा ज्यादा ना, विच इज व्हाट, 5.35। ये इसका आंसर होगा, 36 का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो सही है ये। हेलो सर यस सर तो 36 है। आगे बढ़ो, और कौन सा, 38 ना? हेलो हाँ सर चलो फाइन, 38 पे आ जाना। 38 में तो क्या दिए, व्हाट इज गिवन इन 38? थर्टी एट में क्या दिया है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन टिल द वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 100, एट दैट इंस्टेंट द एक्सेलरेशन इज रिवर्स्ड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पोजिशन। अभी ऐसा बोला है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू इक्वल टू 0 है। ओके ओके यू इक्वल टू क्या है, 0। बोलो वी कितना हो रहा है, 100। हंड्रेड मीटर पर सेकेंड। चलो अभी क्या बोला, एट दैट इंस्टेंट द एक्सेलरेशन इज रिवर्स, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट? बोलो अभी इसके अंदर अगर मैं मोशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूं तो बोलो मोशन कैसा होगा यहाँ पे, हाउ विल बी द मोशन हियर? कैन आई से ये ऐसा चल रहा है, अगर ये जा रहा है ऐसा लाइक दिस, तो यहां पर उसका स्पीड 0 था और एक्सेलरेशन ऐसा था। दिस वॉज द एक्सेलरेशन हियर, और बोलो मान लो यहाँ पे उसका स्पीड 100 हो गया है, 100 मीटर पर सेकेंड। और फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन सेम था, ऐसी मोशन हो रहा है लाइक दिस।
अभी यहां आने के बाद एट दिस पॉइंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा कर दिया है सर। देखो ये जो एक्सेलरेशन है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कैसा है, ये इट इज पैरेलल एंटी पैरेलल ना। तो अगर आपको याद होगा तो पैरेलल और एंटी पैरेलल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करना। फंडामेंटल्स को याद रखो तो क्वेश्चन समझेगा। क्लियर है? यस हाँ सर, हाँ तो बोलो अभी अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे। कैन आई से योर, हमको ऐसा बोला है कि, फिर बोलो, एक्सेलरेशन जब नेगेटिव लगेगा तो ये 100 से वापस कितना होगा, जीरो ना। हाँ सर, हाँ 100 से वापस हाँ कितना होगा, जीरो। तो मान लो यहां पे आने के बाद व्हेन इट रीचेस योर, ये वी डैश जीरो हो गया, ये वी डैश कितना हो गया, जीरो। चलो क्लियर है ये? पर अभी भी यस एक्सेलरेशन लगी रहा ना यहाँ पे। हेलो, अब देखो सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन हो गया, सर, फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन समझा आपको ये? अरे यस बोलो भाई, हाँ अभी सर समझ। सेकेंड सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन में क्या होगा अभी बोलो। यहाँ पे तो उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, फिर भी एक्सेलरेशन डैश में लग रहा है, यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ मैं। फ्रॉम ईयर टू ईयर बोला, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा, ऐसा है ना। दिस इज एक्सेलरेशन ईयर, और बोलो यहाँ पे वी डैश का वैल्यू कैसा है, जीरो है। पर अभी क्या होगा, अभी तो पहले मोशन का पूरा डायरेक्शन ऐसा था। डिड यू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट वॉज लाइक दिस फर्स्ट। हेलो, यस सर, अब ये यस जीरो हो सर, चुका है कंप्लीटली, मोशन का डायरेक्शन अभी ये हो चुका है लाइक दिस। सेकंड दिस इज द डायरेक्शन नाउ। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन आई से, अब ये जब आएगा एक्सेलरेट होगा तो उसका स्पीड वापस बढ़ेगा ना, और स्पीड बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा बोले, वापस कितना हो जाएगा, वी वापस कितना हो जाएगा, ये वी मतलब वी ऐसा ले सकता हूँ कि मैं नया जो स्पीड होगा यहाँ पे, अगर मैं ऐसा कंसिडर करूँ कि ये हो जाएगा वी डैश से ये हो जाएगा, दिस विल बी समथिंग। मान लो यहाँ पे जो स्पीड है वो वी डबल डैश है, ये वी डबल डैश हमको पूछा है, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग अस, बराबर है ये। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, चलो अभी आगे कैसे बढ़े इसके अंदर, टेल मी। ये मान लो मोशन का पार्ट वन है और ये मोशन का पार्ट टू है, हाउ शुड वी मूव फॉरवर्ड, टेल मी। सर पहले टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, टोटल डिस्टेंस। तो बोलो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है क्या हमको, नहीं ना। नहीं, तो अभी एक्सेलरेशन यहाँ पे टाइम भी नहीं दिया है ना, सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस करके एक्सेलरेशन के टर्म्स में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और वो उसे एक्सेलरेट। एक्सेलरेशन तो इक्वेट करके फिर वो कैंसिल होगा, बराबर ना। यस हेलो, यस सर, हाँ सर, ये देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर मोशन कैसा होगा यहाँ पे, एक सेकंड ना मुझे। सर लास्ट में वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है। कैसे लेगा यहाँ पे,
उसको वापस आना नहीं सर, स्टार्टिंग पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा कैसे वो? उन्होंने वही वेलोसिटी फाइंड करने को पूछा है। अरे बाबा, हाउ डू इट, हाउ विल इट गो टू स्टार्टिंग पोजिशन? अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स किया है यहाँ पे ये पॉइंट पे, तो ये एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन थोड़ी चेंज करने वाला है, मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला है। तो मैग्नीट्यूड अभी, पहले जो वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, अभी वो यहाँ पे आके, पहले ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, और यहाँ पे आके वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन ना। और नेगेटिव एक्सेलरेशन बनने के बाद वो वेलोसिटी को कम करेगा, और इवेंचुअली कितना कर देगा, जीरो ना। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? बट सर वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने के लिए। डिस्टेंस तो वो ट्रैवल करेगा ही, दैट इज ऑल फाइन। चलो यहाँ पे देखते हैं अभी कैसा होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, मैं पार्ट वन की बात कर रहा हूँ। तो बोलो पार्ट वन में क्या हो जाएगा, इफ आई यूज द इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर प्लस टू एस। बोलो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू स्क्वायर प्लस टू एस में ये इधर ले लिया, यहां से यहाँ क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी 100 का स्क्वायर विच विल बी 0 प्लस 2 इंटू ए इंटू, बोलो ये कितना होगा, S1 ना ऐसा, तो 2a S1 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10^4। फिर अगर मैं यहां से यहां लेता हूँ उसको, पहले मैंने यहां से यहां लिया, इसको चाहिए तो आप ले लो a, फिर ले लो इसको b और फिर c, तो मैं कहां से कहां गया, a टू b चला गया। तो बोलो a टू b जाने के बाद मुझे ये इक्वेशन मिल रहा है, फिर मैं कहां से कहां जाऊंगा, b टू c ना। तो b टू c में हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, कह रहा है इट इज गोइंग टू बी वंस अगेन v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर प्लस 2s। बोलो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कैसा है, 0 है, और फिर इनिशियल क्या होगा, 100। तो ये हो जाएगा 10^2 वंस अगेन 4, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए इंटू, ये हो जाएगा S2। तो व्हाट डू आई गेट, 2a S2 जो है इट विल बी इक्वल टू व्हाट, कैन आई से ये हो जाएगा 10^4। तो S2 जो है वो होगा 10^4 अपॉन 2a। अगर आप देखोगे तो S1 S2 सेम आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो सेम ही लग रहा है। तो अभी S क्या होगा, S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2S1। तो S कितना होगा, 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 10^4 अपॉन 2a। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि as का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 10^4। as का वैल्यू कितना आ रहा है, 10^4। समझा सबको ये? हेलो, यस सर, यस सर, तो बोलो कि as का वैल्यू 10^4 है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन उसे हो गया। अब मैं सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन पे जा रहा हूँ, पार्ट टू पे। इफ आई गो टू पार्ट टू ईयर, बोलो पार्ट टू में क्या होगा। बोलो यहां से यहां जा रहा हूं मैं, अभी पार्ट टू दिख रहा है नीचे है यहाँ पे, दिस वन, ये वाला ले रहा हूँ पार्ट टू, दिखा आपको। हेलो, तो अभी क्या हो जाएगा, बोलो ये डिस्टेंस भी तो ऐसी है ना, ये डिस्टेंस अगर एस है पूरा, तो ये डिस्टेंस भी पूरा कितना होगा, एस। तो बोलो पार्ट टू के लिए भी कितना हो जाएगा ये, तो पार्ट टू के लिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बोलो वॉट डू वी गेट, यहाँ पे v जो है वो होगा v डबल डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू, दिस विल बी as कितना है, 10^4 होगा ये, सही है। तो v डबल डैश का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10^4। तो बोलो वी डबल डैश कितना होगा, √2 × 10^2, तो ये हो जाएगा 1.41 × 10^2, विच विल बी
1.414 होता है वो मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो क्लियर है सबको, समझाइए। हेलो, यस सर, यस सर। वन सेकेंड, देखो बता देता हूँ मैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जो मोशन है उसमें पहले वो फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन देखो, पार्ट वन जो ऊपर लिखा है वो पार्ट वन में क्या हो रहा है यहाँ पे। पार्ट वन में वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ओ से बी तक जो वो जा रहा है तब तक तो वो एक्सेलरेट हो रहा है पॉजिटिवली। फिर क्या हो रहा है, जैसे वो बी पे पहुंचा उसका स्पीड 100 था तो उसने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया, मतलब वो डिसलरेट होने लगा। बट याद रखो एक्सेलरेशन पैरल हो या तो एंटी पैरल हो, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता वो, सिर्फ क्या चेंज करेगा मैग्नीट्यूड। तो पहले वो 0 से 100 हुआ, अभी 100 से फिर से कितना हो जाएगा, 0। फिर रुक गया ना, तो रुक गया मतलब मोशन खत्म, बट अभी भी एक्सेलरेशन अप्लाई हो ही रहा है, दैट इज ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, लेफ्ट वाला। तो वो एक्सेलरेशन फिर से क्या करेगा, मोशन को शुरू करेगा अपने खुद के डायरेक्शन में। तो वी डैश इक्वल टू 0 से अब वो जाएगा वापस ए पे, और उसका स्पीड कितना हो जाएगा, वी डबल डैश। तो दोनों में जो डिस्टेंस कवर किया है उसने वो ऐसी रहेगा, दोनों में जो डिस्टेंस कवर किया है कि इसने वो कितना रहेगा, एस। तो हमने पार्ट वन ए टू बी के लिए इक्वेशन अप्लाई किया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एंड पार्ट टू उसके लिए बी टू सी के लिए अप्लाई किया और हमको ए एस का वैल्यू मिला 10^4। फिर पार्ट टू जब वो वापस रिटर्न कर रहा है, ये नीचे वाला मोशन यहाँ पे दिस मोशन ईयर जो मैं यहाँ से रेड से टिक कर रहा हूँ ना, तो सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन में फिर मैंने वापस इक्वेशन अप्लाई किया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें यू 0 है इनिशियल ना, अब वो ऐसा उल्टा जा रहा है। अगर आपको चाहिए तो इसको नाम दे दो ई और ये हो जाएगा एफ, तो वो ई टू एफ जा रहा है, इट इज गोइंग फ्रॉम ई टू एफ। तो ई टू एफ में इनिशियल क्या है, 0, फाइनल क्या होगा, वी डबल डैश। फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया ए एस का वैल्यू यहाँ पे, ए एस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमको आंसर मिल गया विच इज 141.4 मीटर पर सेकेंड। चलो क्लियर है 38। हेलो, यस आ रही है। सर। चलो आर यू पीपल हियर। हेलो, यस यस सर। चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 38, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको भी, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ये टाइप खत्म हुआ। हाँ, चलो अभी आगे बढ़ते हैं भाई। चलो कम टू टाइप 3 है, टाइप 3 एंड टाइप 4। ओके, चलो टाइप 3 पे आ जाना। टेल मी, इसमें कौन सा क्वेश्चन है, ये 39 40 45, 42, फोर्टी बोलने फाइव तो वो भाई बोलने भी नहीं देते। 39 से लेके 44 जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें बताओ कौन सा क्वेश्चन है। 40 नंबर 43, फोर्टी 43 फोर्टी थ्री चलो 40 एंड 43 पहले कर देता हूँ। तो 42। अरे रुक जाओ ना भाई, अभी बोला दो क्वेश्चन उसमें भी चिल्ला रहे हो 42 ना, ये ना वो क्या दिया। देखो क्वेश्चन ऑफ 40 में, मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन एस इज इक्वल टू 3t² + 3t³ + 7t² + 14t प्लस 8। बोलो क्या करना होता है, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ता है इसके लिए। डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट पहली बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। हाउ टू मेनी टाइम्स वी नीड टू डिफरेंशिएट, टाइम्स, टू टाइम्स। 40 डाउट नहीं है किसी को, है नो नहीं। मैं क्यों कर रहा हूँ भाई। चलो कौन सा बोला आपने, 40
थ्री बोला है, 45 बोला है, और कौन सा है 43, 43, 45 देख लो पहले, चलो 43 एंड 45। फोर्टी थ्री फोर्टी फाइव देख लो, फिर बाकी क्वेश्चन देखता हूँ। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43। चलो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। फोर्टी थ्री में आपको बोला है द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस अल्फा टी प्लस बी ई रेस टू बीटा टी, ऐसा दिया हुआ है। ए बी अल्फा बीटा और पॉजिटिव कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। बोलो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हमको वेलोसिटी चाहिए, तो क्या करना पड़ता है, वॉट यू डबल नीड टू डू। डिफरेंशिएशन, तो बोलो डिफरेंशिएशन ना। हेलो यस सर, हाँ यस सर, सर, तो वी क्या हो जाएगा, डीएक्स बाई डी टी होगा, तो डी बाई डी टी हो, बोलो क्या हो जाएगा ये, ए ई रेस टू माइनस अल्फा टी प्लस बी ई रेस टू बीटा टी। तो चलो ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ए बोलो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस अल्फा टी। अभी सुनना ध्यान से, ध्यान दे के सुनो, बोलो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या होता है, ई रेस टू एक्स दैट इज ई रेस टू टी होता है ना हमारा ओरिजिनल फंक्शन। यस सर, यस सर, ई रेस टू टी होता है यहाँ पे, यस तो बोलो फिर क्या होगा, यहाँ पे ई रेस टू टी का ई रेस टू टी आता है, बट ये ई रेस टू टी है कि ई रेस टू माइनस अल्फा टी है। इलेक्स टू माइनस अल्फा टी, रेस टू माइनस अल्फा, तो बोलो दिस, ये जो हमको दिया है यहाँ पे, ये अभी कैसा है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ई रेस टू माइनस अल्फा टी में बोलो ये स्टैंडर्ड फंक्शन के कॉम्पोजिट फंक्शन है, कॉम्पोजिट 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 फंक्शन। होगा, इसका डेरिवेटिव ये आएगा ई रेस टू माइनस अल्फा टी, और फिर इसके अंदर जो कॉम्पोजिट है वो डिफरेंशिएट होगा ना, हेलो, यस सर, विच इज व्हाट, माइनस अल्फा टी, वो डिफरेंशिएट होगा। तो बोलो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी बाय डी टी ऑफ माइनस अल्फा टी का क्या आएगा, यहाँ पे लिख दूँ अगर मैं, डी बाय डी टी ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा टी। बोलो फिर आगे क्या होगा, प्लस बी ई रेस टू बीटा टी का भी क्या आएगा, ई रेस टू बीटा टी आएगा, बट ई रेस टू बीटा टी भी क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन और कॉम्पोजिट फंक्शन है। लो कॉम्पोजिट 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 जो कॉम्पोजिट हो, फिर से डिफरेंशिएट हो, कॉम्पोजिट कौन है, बीटा टी ना, यस सर, तो बीटा टी हाँ यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया, सही है। हेलो हाँ यस सर, हाँ सर, हाँ बोलो, माइनस अल्फा टी को जब आप डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, माइनस अल्फा ना, हाँ हाँ सर, यस सर, तो माइनस ए अल्फा ई रेस टू माइनस अल्फा टी माइनस बी बीटा ई रेस टू बीटा टी, ये इसका इक्वेशन है, किसका, वेलोसिटी का, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। चलो क्लियर है ये, अभी हमको क्या दिया है यहाँ पे, व्हाट आर द गिवन, बोलो यहाँ पे अभी है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ थोड़ा सा, अगर मैं और सही से लिखूँ इसको, तो ये ए हो जाएगा, ए अल्फा अपॉन ई रेस टू अल्फा टी, इसका पावर मैं नीचे ले लिया ऐसे, और ये होगा बी बीटा ई रेस टू बीटा टी। चलो सबको समझ में आ रहा है ये, हेलो क्लियर है, सर, यस सर,
चलो अभी हमको ऑप्शन में देखो क्या दिया है। ए बोला है गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, अच्छा बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा। बोलो बी इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ये तो गलत हो गया ना, अल्फा एंड बीटा तो है, हाँ तो ऑप्शन बी तो गलत है। ड्रॉप टू जीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। चलो अल्फा बीटा को अगर सेम भी कर दिया तो भी जीरो तो नहीं होने वाला, ये बराबर है, गलत तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन ए बच जाता है और ऑप्शन डी बच जाता है, गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम एंड गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। क्या लगता है आपको कौन सा आंसर होना चाहिए यहाँ पे? ए के डी, इक्वेशन को देखो थोड़ा समझने का ट्राई करो, व्हाट शुड बी द आंसर? ए के डी, है। 43 के लिए। ये सिंपल है, थोड़ा सा आप सोचो ना, नंबर के टर्म्स में सोचो तो आपको समझेगा। एक लास्ट है बस स्टेप। नहीं यार अब सो गए क्या सबके सब? गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीज ऑप्शन डी बोलो होगा क्यों इंक्रीज इंक्रीजिंग? ऑप्शन डी होगा। डिनोमिनेटर में पीछे टी है। देख, डिनोमिनेटर में टी है तो न्यूमरेटर में भी तो है इधर, बी बी के साथ, बीटा के साथ। व्हाट विल उसका हैपन? वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव। देख लो अभी गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम क्यों होगा इसका आंसर, ध्यान देना अभी यहाँ पे। व्हाई इट इज गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम? बोलो अगर मैं टी का वैल्यू सबस्टिट्यूट करते जाऊं यहाँ पे, टी का वैल्यू 1 लू, टी का वैल्यू 2 लू, टी का वैल्यू 3 लू, तो होगा क्या? बोलो जैसे जैसे टी बढ़ेगा, ये प्लस वाला टर्म बढ़ते जाएगा ना। हेलो, हाँ सर एज यस इंक्रीज, ये जो प्लस वाला टर्म है बी बीटा वाला, वो बढ़ते जाएगा, हाँ और ये जो टर्म है माइनस वाला, उसमें टी तो डिनोमिनेटर में, तो टी अगर बढ़ते जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या होता जाएगा? कम ना। यस यस, सर तो बोलो पॉजिटिव टर्म जो है, प्लस टर्म जो है वो बढ़ते जा रहा है और नेगेटिव टर्म कम होते जा रहा है, तो वी बढ़ रहा है विद टाइम के कम हो रहा है? बढ़ रहा है हाँ, पढ़ सो वी इंक्रीजेस विद, वी इंक्रीजेस विद टाइम। चलो सबको समझ में आ रहा है ये? हेलो, क्लियर है ये? यस अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ गया सबको? दोनों अगर न्यूमरेटर में होता तो फिर कुछ अलग आ सकता था, कि मतलब फिर डिपेंड करता है कि वैल्यू किसका ज्यादा आएगा, किसका कम आएगा, ए बी वगैरह का वैल्यू क्या होना चाहिए। पर ये तो सिंपल हो गया क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो प्लस वाला टर्म इंक्रीज होते जा रहा विद टाइम, माइनस वाला टर्म डिक्रीज होते जा रहा विद टाइम, सो वी ओवरऑल बढ़ते जाएगा। चलो क्लियर है? हेलो, यस यस चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 43, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोला ना, चलो हाँ ये 45 में तो वो क्या दिया है? फोर्टी फाइव से द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल लीनियरली विद टाइम टी एंड बी टी, ये एज बी टी आएगा, वो एंड बी हाँ टी नहीं आएगा, इट इज एज बी टी आएगा। एंड को कट करके लिखना एज बी टी, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है उन्होंने बी टी करके। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज बी टी, लिखा आपने? हेलो, सर हाँ सर तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज बी टी हियर, सो व्हाट विल हैपन हियर नाउ? फोर्टी फाइव में ए इज बी टी। ओरिजिन चलो हमको क्या चाहिए यहाँ पे? द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। ओरिजिन मतलब क्या? टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से ना, बट हाँ टाइम जीरो पे वेलोसिटी कितना है? वी नॉट है। अब हमको बोला है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल
एन टाइम टी कितना होगा ये फाइंड आउट करके बताओ। बोलो एक्सेलरेशन से मुझे डिस्टेंस पे जाना है तो क्या करना पड़ता है? एक्सेलरेशन से कहाँ जाना पड़ेगा? स्पीड। स्पीड से कहाँ जाना, सॉरी एक्सेलरेशन से कहाँ जाना पड़ेगा? स्पीड। स्पीड से कहाँ जाना पड़ेगा? डिस्टेंस ना। तो बोलो दोनों बार क्या करना पड़ेगा मुझे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वी नीड टू इंटीग्रेट। वी नीड टू इंटीग्रेट। तो चलो आ जाओ इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे मान लो टी इक्वल टू जीरो पे स्पीड वी नॉट है और टाइम जब टी हो जाएगा तो स्पीड हो जाएगा वी। टी इक्वल टू जीरो पे स्पीड कितना है? वी नॉट। टी इज इक्वल टू टाइम जब टी हो जाएगा तो स्पीड कितना हो गया? वी। सही है। तो बोलो अभी वी क्या होता है, या तो ए क्या होता है? डीवी बाई डी टी। तो बोलो अभी डीवी क्या हो जाएगा? इट इज ए डी टी। और अगर इसको इंटीग्रेट कर दूं मैं दोनों जगह पे, सो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो बोलो यहाँ पे ये कितना होगा? व्हाट इज इनिशियल स्पीड? या देखो मैं स्पीड का लिमिट ले रहा हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी चल रहा है यहाँ पे, तो स्पीड का लिमिट क्या हो जाएगा? वी नॉट से वी। और टाइम का लिमिट कहाँ से कहाँ होगा? जीरो से टी। हेलो। तो बोलो अभी क्या हो जाएगा? बोलो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कितना होगा? वी ना, आता है ना ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है? एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कितना होगा? वी। यस सर, यस सर, कहाँ से कहाँ जाएगा ये? वी नॉट से वी तक। और बोलो यहाँ पे ये ए का वैल्यू कितना है? बी टी है ना, तो बी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कहना से डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पे, बी टी स्क्वायर बाई टू। हेलो। अरे आता है कि नहीं आता है भाई? हेलो। हाँ सर, हाँ सर, ए जो यस होगा वो बी सर, टी होगा, बी कॉन्स्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर बाई टू। एवरीवन नोज ना दिस। हेलो। चलो अभी अगर मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा? वी माइनस वी नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी सब छूट गया तो बोलो क्या होगा? बी टी स्क्वेयर बाई टू। तो बोलो वी क्या हो जाएगा? वी वी विल बी वी नॉट प्लस बी टी स्क्वेयर बाई टू। पर भाई हमको वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमको तो डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होता है? वी क्या होता है? डीएक्स बाई डी टी। तो बोलो डीएक्स क्या होगा? इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, या तो वी डी टी ले लिया मैंने। चलो दिस इज वी डी टी, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तो जीरो से एक्स जाएगा ना, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, जीरो और एक्स तक जाएगा, वही तो हमको फाइंड आउट करना है। और वी जो है वो तो ऑलरेडी हमने, वी का वैल्यू हमको पता है, तो वी का वैल्यू आप ले लो यहाँ पे। बोलो वी कितना हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जीरो से एक्स। और ये कितना होगा? बोलो इंटीग्रेशन ऑफ वी कितना है? इट इज गोइंग टू बी वी नॉट प्लस बी टी स्क्वेयर बाई टू डी टी। तो बोलो डी एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा ना, जीरो से एक्स। और ये वी नॉट, बोलो वी नॉट तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे, अगर डी टी को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो वी नॉट तो कांस्टेंट है। इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी टी स्क्वायर बाई टू डी टी। अरे हो आप लोग यहाँ पे? हेलो। यस हाँ सर, सर। यस बोले एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू वी नॉट। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा? टी प्लस बी तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ये टी क्यूब बाई थ्री, और टू पहले से है तो टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा? सिक्स ना। तो बोलो अभी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? वी नॉट टी प्लस बी टू क्यू बी टी क्यूब बाय बाय 16। सिक्स।
चलो क्लियर है, हेलो, ये इसका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए। फाइन, यस सर। यस सर। ओके दिस इज क्वेश्चन ऑफ 45। वंस अगेन कह रहा हूँ, ये सब लाइट क्वेश्चंस नहीं है, दिस आर ऑल वेरी 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 गुड क्वेश्चंस है। ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास में फॉर्मूला अप्लाई किया और खत्म किया, इसमें सब में दिमाग लगाना पड़ता है भाई, ओके थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा आपको दिमाग का, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड द कॉन्टेक्स्ट एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व। सब एकदम टॉप लेवल क्वेश्चंस हैं ये सब, आपके नोट्स में लेवल भी होमवर्क में देना, नो इजी ओके क्वेश्चंस। चलो क्लियर है ये? हाँ सर। यस, चलो नेक्स्ट, आगे बोलो, आगे क्या है और कौन सा था 45 के बाद? और ये पेज पे कोई बाकी है क्या, मुझे बताओ, 47 तक और कोई बाकी है? 47 47, ओके 47 देख लो भाई। फोर्टी सेवन में क्या दिया है? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी गिवन टाइम टी इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू 2t इनटू 3 माइनस t, एट व्हाट टाइम इज इट्स वेलोसिटी मैक्सिमम? ये क्वेश्चन रहने देना, अभी मैंने वो मैक्सिमम मिनिमम आपको सिखाया नहीं है, लेट इट बी, मैक्सिमम मिनिमम हम लोग सर। करेंगे। हाँ क्या हो गया? सर उसका ट्रायल एंड जस्ट एरर नहीं निकाल सकते हैं ना? भाई, ट्रायल एंड एरर वो तो ठीक है, दैट इज नॉट द टेक्निकली करेक्ट वे टू डू इट। वहां पे उसको राउंड करके रखना, वहां पे लिख के रखो मैक्सिमा एंड मिनिमा बेस्ड क्वेश्चन, वो जब हम लोग 2D वगैरह करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा, वहां पे लिख के रखो बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलो फाइन, आगे बढ़े, बोलो और कोई क्वेश्चन है क्या? सर 42 एक सेकेंड, दिस इज बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमम, विल डू इट लेटर जब मैं सिखाऊंगा आपको, तो बताना मुझे एक क्वेश्चन कर दूंगा मैं। सो दो बार डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा, लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, फिर उसका फर्स्ट डिजिट का कंपेयर करना पड़ेगा जीरो से, तो उसका आंसर आएगा। ठीक है, पर चलो आगे बढ़ते, आगे है 42। क्या बोला है भाई यहाँ पे, कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अलोंग एक्स एक्स डिपेंड्स अपॉन टाइम, एक्स रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी प्लस वन, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम डिक्रीज विद टाइम। बिल्कुल, क्या होगा यहाँ पे 42 में, पे अटेंशन यार प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, देखो यहाँ पे क्या है। 42, रूट ऑफ एक्स क्या दिया है? टी प्लस वन, तो अगर मैं स्क्वायर रूट को राइट हैंड साइड पे लूँ तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टू प्लस टी वन प्लस वन का स्क्वायर, तो एक्स क्या हो जाएगा अभी, टी स्क्वायर प्लस है। हाँ टू टी प्लस वन, सही है? हेलो, यस अब बोलो, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपको वेलोसिटी चाहिए, तो बोलो क्या करना पड़ेगा इसको, डिफरेंशिएट। तो वी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, तो बोलो फिर क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर कितना होगा, टू टी प्लस टू प्लस जीरो, तो वी कितना आ रहा है, टू टी प्लस टू, ये वी है,
चलो अभी अगर ऑप्शन को देखूं तो नन ऑफ दिस तो नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम भी नहीं है, टाइम का फैक्टर है ना, इंक्रीज टाइम डिक्रीजेस विद टाइम। बोलो टी इक्वल टू 1 लिया, टी इक्वल टू 2 लिया, टी इक्वल टू 3 लिया, तो वेलोसिटी बढ़ेगा कम होगा? हेलो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। हाँ, तो एज टाइम इंक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस। चलो क्लियर है, हेलो सबको समझ में आ रहा है? यस सर। चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 42। आगे पेज पे कोई बचा है क्या? हो गया यस सर। एनीथिंग लेफ्ट ऑन दिस पेज? नो नो और है सब लोग? यस सर। यस यस। चलो नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पेज पे कहाँ से कहाँ? सर 48 से लेके 56 तक। सी 48 से लेके 57 तक बता दो मुझे, कौन से डाउट्स है? 48 48 48 48 48 48 ठीक है।51 49 49 अरे तो ना दे रहा है, एक दो क्वेश्चन बोलो ना, सबके सब एक साथ बोल जाओ तो एक साथ सॉल्व कर दूं। सर 48 सर इज नॉट 48 भाई, सर इज 31। चलो देखो 48 में क्या दिया है अभी। चलो सी 48, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन ऑफ 48, पे अटेंशन हियर। मोशन ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 वी। वेर वी इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एंड टी इज इन टाइम। द बॉडी इज एट रेस्ट, टी इक्वल टू 0। ओके द स्पीड वेरीज विद टाइम। बोलो एट रेस्ट टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है ना। हेलो अभी देखो ये डीवी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ना ये, तो यस सर। हमको एक्सेलरेशन दिया है और हमको अभी स्पीड फाइंड आउट करना है, उसका रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन से मुझे स्पीड की तरफ जाना है, सही है? तो अभी हम क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना, डीवी बाई डी टी क्या है? इट इज 6 माइनस 3 वी। पे अटेंशन दे रहा, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना 48 को। अभी क्या करने का, वी वाले टर्म को और टी वाले टर्म को सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा डीवी अपॉन 6 माइनस 3 वी विच इज इक्वल टू। अब दोनों जगह पे मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया ऐसे। बोलो इसका इनिशियल कितना है? 0। इसका भी इनिशियल 0 है, इसका फाइनल वी है और इसका टाइम टी है, ऐसा ले लिया टाइम टी स्पीड वी। चलो अभी आगे क्या होगा? चलो ये कभी आपने देखा है ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन AX प्लस बी डी एक्स, देखा है आपने? ही वो भाई साहब हो गया, समझ में आ रहा है क्या क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? हैव यू सीन दिस इंटीग्रेशन? हेलो
वो आप लोग यहाँ पे कि नहीं? यस सर यस इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ मेरे को। नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। सी लेने का तो जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट लिया हुआ है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए ना यही है। हेलो, तो अभी यहाँ पे x के बदले किससे इंटीग्रेट किया हमने, v से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो से v dv अपॉन माइनस 3v प्लस 6, जीरो से t dt। तो देखो अगर आप कंपेयर करते हो इससे तो बोलो a का वैल्यू कितना है, माइनस 3 है, और b का वैल्यू कितना है, 6 है। ये सिर्फ इंटीग्रेट किससे हो रहा है, वी से, और ये किसका फंक्शन है, एक्स का। इट इज वन एंड द सेम, वेरिएबल चेंज हो सकता है, आप तो पहले भी बताया मैंने ये। तो बोलो अभी आगे क्या हो जाएगा इसके अंदर, व्हाट वी गेट, इसका फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ माइनस 3v प्लस 6 अपॉन माइनस 3। यस 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 हेलो, समझ में आ रहा है ये? इसका लिमिट कितना है? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t फ्रॉम 0 to t। चलो अभी नेक्स्ट इज, ये लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे। तो बोलो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ना यहाँ पे ए वी सब्स्टिट्यूट किया तो वही आएगा, सेम ही आएगा, नथिंग इज गोइंग टू चेंज हियर। पर जब जीरो डालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बिकम बोलो अपर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ सी, ये माइनस 3v प्लस 6 को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, 6 माइनस 3v ना, और वैसे की वैसे ही रहेगा वो। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूँ? और ये माइनस 3 है तो वैसा का वैसा ही है, फिर क्या होगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वी, जीरो हो गया तो अंदर क्या बचेगा, 6 अपॉन क्या होगा, 3। अरे हो आप लोग यहाँ पे? हेलो यस यस सर यस सर। और ये टी माइनस टी, टी माइनस जीरो क्या हो जाएगा, टी। देखो हाँ अभी देखो मैं क्या स्टेप कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड करना। आपका माइक बंद करो यार। चलो नेक्स्ट आगे ध्यान देना यहाँ पे, व्हाट वी आर डूइंग यार, पे अटेंशन हियर नाउ। बोलो अभी अगर मैं यहाँ पे ना, आप अपना माइक बंद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हेलो अभी देखो यहाँ पे व्हाट स्टेप डू वी डू फर्दर, इफ यू सी दिस इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 6 माइनस 3v अपॉन माइनस 3 है ये, और यहाँ पर है प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 6 अपॉन 3। तो बोलो इसको कैसे लिखा जा सकता है यहाँ पे, हाउ कैन आई राइट दिस, यस एनीवन, किसी को पता है फॉर्मूला वगैरह कुछ लॉग का? Next is, अब बोलो फर्दर व्हाट आई कैन डू हियर इज, यस किसी को यहाँ पे वो लॉग का फॉर्मूला वगैरह पता है कुछ?
आप लोग हो क्या यहाँ पे कि नहीं हो? चलो व्हाट आई एम डूइंग यार, इस ध्यान देना अभी यहाँ पे। कैन आई से यार इफ आई टेक -1/3 कॉमन ईयर, इफ आई टेक -1/3 कॉमन तो बोलो अंदर क्या बच जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ 6 -3v -नेचुरल लॉग ऑफ 6। चलो ये तो मानते हो कि नहीं? हेलो जो लिखा है मैंने, यस सर, यस और बोलो क्या हो जाएगा फिर ये? नेचुरल लॉग ऑफ 6 -3v -नेचुरल लॉग ऑफ 6 इज -3t। बोलो अभी देखो ये वाला स्टेप देखो, नेचुरल लॉग ऑफ दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, किसी को फॉर्मूला पता है क्या होता है? हाँ लॉग ऑफ सर, ए बी, लॉग ऑफ एम एम बाय एन। दैट इज लॉग ऑफ ए बाई बी ना। तो ये क्या हो जाएगा? 6 -3v/6 विच इज 3t। अब सी नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है पता है? लॉग टू द बेस ई। नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है? लॉग टू द बेस ई होता है, दैट इज नेचुरल लॉग। दो लॉग होते हैं, एक होता है लॉग टू द बेस ई, एक होता है लॉग टू द बेस 10। जो आप लॉग बुक सीखते हो ना वो लॉग टू द बेस 10 होता है, और ये है लॉग टू द बेस ई एक्सपोनेंशियल। आप देखो ये लॉग ई जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, स्टेप को देखना बराबर ध्यान से। लॉग ई जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे, बोले लॉग ई कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड पे ना, यहाँ पे। अब मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ इसको। तो जब लॉग ई लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाता है ना, तो ये बन जाता है एक्सपोनेंशियल। ये क्या बन जाता है? एक्सपोनेंशियल मतलब ये हो जाएगा ई रेस टू -3। लॉग ई जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो जो भी वैल्यू है वो पावर में आ जाएगा, और लॉग ई क्या बन जाएगा? ई। लॉग ई क्या बन जाएगा? ई एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल अगर राइट से लेफ्ट में आता है तो फिर से क्या बन जाएगा? लॉग। फिर से क्या बन जाएगा? लॉग। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? हेलो, यस सर, तो बोलो अभी अगर आप यहाँ पे सेपरेट आउट करते हो इसको तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? दिस विल बी 6, ये हो जाएगा 6/6, ये हो जाएगा 1 -3v/6, और ये हो जाएगा 1 za, ये हो जाएगा 2 za, और ये हो जाएगा e^2 -3। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो तो ये कितना हो जाएगा? 1 -v/2 इज e^2 -3t। तो ये कितना हो जाएगा? 1 -e^2 -3t इज v/2। तो v क्या होगा? 2 × 1 - e^2 -3t। ये है इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन बी 48 का। सुपर क्वेश्चन है ये, ऐसे सब क्वेश्चन आ गए तो हो गया भाई फिजिक्स। अब ये सब हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन है, अब इससे ज्यादा क्या डिफिकल्ट कोई पूछेगा? चलो समझ में आ रहा है सबको ये कैसे किया? हेलो, ये लास्ट स्टेप्स कैसे किए समझे? यस हाँ सर, यस सर, चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर 48, ये होगा क्वेश्चन नंबर 48। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 48 सबको समझ गया? यस यस सर, चलो बोलो और कौन सा ये पेज पे? 50 कौन सा? 50। हाँ ऐसा देखो 50 वाला जो ऐसा क्वेश्चन है ना, शायद हमने ये किया हुआ है। देखो आपके न्यूमेरिकल में देखना, वी हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स में जाके देखना जरा। अरे
Yes, is it there? Hello. है क्या? हेलो, ऐसा क्वेश्चन है शायद हमने किया हुआ है। या तो हमने देखो इसमें किया है, लेवल बी क्लास वर्क में देखो जरा जाके, देयर इज वन क्वेश्चन लाइक दिस, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। मिला कैलकुलस के टाइप में देखना, देखो 34th। 34 है ना, हाँ सर, देखो वहां पे लिखो सेम एज 34, देख के ट्राई करना सेम तरीके से तो आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 50 के वहां पे लिखो, लेवल बी क्लास वर्क क्वेश्चन 34 सही है। हेलो, यस सेम सर, यस सर, क्वेश्चन है, वैसा ही है, कर सकते हैं आप, समझ में आ रहा है जिसने भी पूछा। हेलो चलो आगे बढ़ो भाई, और कौन सा है? 49, हाँ 49, 49। फोर्टी नाइन देख लो भाई, 49 ऐसा क्वेश्चन भी उन्होंने किया हुआ है। देखो अभी यहाँ पे कैसा होगा ये 49 वाला। सिंपल क्वेश्चन है, 49 देख लो फटाफट क्या हो, देखो फोर्टी नाइन में तो क्या दिया है, वी जो है वो रूट ऑफ 49 प्लस एक्स है, और आपको पूछा है कि व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड फाइंड इट्स इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अभी मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, बोलो एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ना। हेलो हाँ यस सर, तो बोलो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी भी क्या होगा यहाँ पे। कैन आई से, अभी मैं इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, वी स्क्वेयर इज ठीक फोर्टी है, नाइन प्लस एक्स, अभी इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वेयर इज डी बाई डी टी ऑफ 49 प्लस एक्स। तो बोलो डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वेयर कितना हो जाएगा, बोलो ये कैसा फंक्शन है, डायरेक्ट फंक्शन है स्टैंडर्ड के कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट तो बोलो वी स्क्वेयर का क्या होगा, 2v होगा, और फिर कॉम्पोजिट कौन है यहाँ पे, वी है ना, वी, तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी विच विल बी इक्वल टू व्हाट, बोलो डी बाई डी टी ऑफ 49 प्लस डी बाई डी टी ऑफ एक्स। तो बोलो ये कितना हो जाएगा, 2v इन टू एक्सलरेशन विच इज इक्वल टू वॉट, कैन आई से डी बाई डी टी ऑफ 49 कितना होगा, कॉन्स्टेंट का 0 प्लस ये कितना होता है, बोलो डी एक्स बाई डी टी कितना होता है, वी ना, ये वी वी कैंसल, तो बोलो ए का वैल्यू कितना होगा, 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, दैट इज ऑप्शन डी। सो सबको क्लियर है, ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है हमने, एक और बार सही है। सर फिर क्वेश्चन में वेलोसिटी के वैल्यू सिर्फ सिर्फ कंफ्यूजिंग के लिए दिए। बस वैल्यू है, बोगस, बोगस मतलब समझता है, फेक ओके वैल्यू है, फेक। एक्सेलरेशन का वैल्यू ही कांस्टेंट है तो वी पे डिपेंड कैसे करेगा, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है वो,
क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। मेरा ये एग्जाम है संडे को, ऐसा लग रहा है मेरे को। अरे सर 51 नंबर। 51 अभी सेम तो है, दिख रहा नहीं है? 49 51 लिखो वहां पे, सेम सेम एज 49। बहुत बेशरम लोग हैं, वहीं वहीं देख के पूछ ले रहे। ये 52 भी सेम है, किया था अभी। 53 और लेटर ऑन वाला एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वापस आ गया, रिपीट। 52 ऐसा क्वेश्चन किया ना अभी हमने लास्ट पेज यस पे, सर। हाँ या कि नहीं किया? कौन यस सा था ये? हाँ 52 किसके सिमिलर है? 42। सेम एस 42। क्या चाहिए और? आगे बढ़ो फटाफट। 50 वाला क्या बोला है? सेम एस क्या? 34 लेवल बी क्लास वर्क। 56। हाँ 56 पे आ जाओ, छोड़ो मत, पूरा पैसा वसूल कर लो बाबा। चलो आगे बढ़ू मैं। 50 किधर जाना है? 56 पे। ये 54 भी सेम ही है एस 51 एंड अभी जो किया 49। बराबर है? हेलो हाँ यस सर। यस सर। चलो अभी आना है 56 पे। 56 में तो आपको क्या दिया है, ध्यान देना है। अभी सिक्सेस के टी दिया है आपको, विच इज अल्फा एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा एक्स। इफ वी इज द वेलोसिटी देन द रिटार्डेशन इज। रिटार्डेशन पूछा है, मतलब हमको पूछा है एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमको हमको यहाँ पे एक्स के टर्म्स में इक्वेशन दिया ना, तो एक्स को अगर दो बार डिफरेंशिएट करते हो आप तो आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो देखो अभी सबसे पहले डिफरेंशिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान देना अभी यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये। इफ आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वॉट डू आई गेट? इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ टी इज डी बाई डी टी ऑफ अल्फा एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी टी ऑफ बीटा एक्स। चलो अभी डी बाई डी टी बाई टी क्या होगा? डी बाई डी टी ऑफ टी कितना होगा? 1 ना? हेलो और बोलो, अल्फा कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वेयर और बीटा कांस्टेंट है इंटू डी एक्स बाई डी टी। बोले 1 इज वॉट? अल्फा इंटू एक्स स्क्वेयर। बोलो एक्स स्क्वेयर क्या है? एक्स स्क्वेयर इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन ना, डायरेक्ट थोड़ी टी है ये। हेलो हाँ यस सर। तो क्या हो यस जाएगा ये? अल्फा इंटू कितना होगा? 2x होगा ये, इन टू बोलो कॉम्पोजिट कौन है? एक्स ना, तो एक्स डिफरेंशिएट होगा यहाँ पे, तो डी एक्स बाई डी टी। याद है ये सब किया है हमने पहले भी। हाँ एक्स सर। स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, और इसमें कॉम्पोजिट कौन है? एक्स, तो वो डिफरेंशिएट होगा, तो डी एक्स बाई डी टी प्लस बोलो क्या हो जाएगा? बीटा। डी एक्स बाई डी टी तो डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, तो ये क्या हो जाएगा? वी, ये भी होगा वी। तो ये इक्वेशन देखो ऐसा हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2x अल्फा इन टू वी प्लस बीटा वी। अरे बाबा, हुआ आप लोग यहाँ पे कि सो गए? थोड़ा यस सर। यस सा सर। अगर ये इक्वेशन को फिर से लिखूं मैं तो ऐसा हो जाएगा, अल्फा 2 अल्फा को साइड में ले लो और ये हो जाएगा एक्स इन टू वी प्लस बीटा वी। हमको तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो और एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं। आप एक्सेलरेशन वाला टर्म दिख नहीं रहा है अभी इसमें, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बोलो ये तो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 1
बोलो टू अल्फा कांस्टेंट तो बाहर रहेगा, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स इंटू वी प्लस डी बाई डी टी ऑफ बीटा वी, तो बोलो ये कितना हो जाएगा जीरो। बोलो टू अल्फा, बोलो ये क्या है, दिस इज यू इंटू वी रूल ना, दिखता है आपको एक्स क्या होगा यू और ये वेलोसिटी है वो क्या होगा वी। अरे सो गए क्या भाई, तो बोलो अगर मैं आप यूवी रूल अगर अप्लाई करूं मैं तो क्या आंसर मिलेगा हमको, यूवी रूल में क्या होगा वी डेरिवेटिव ऑफ एक्स चलो तो ये क्या हो जाएगा वी डी एक्स बाई डी टी प्लस बोलो क्या हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी टी प्लस बोलो बीटा वैसी रह जाएगा डी वी बाय डी टी। अरे हो के नहीं आप लोग यहाँ पे, हेलो यस सर यस सर। बोलो नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, देखो अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका जीरो हो चुका है, इधर इधर लिख दे रहा हूँ मैं अभी, आई एम राइटिंग इट हियर, बोलो ये जीरो है, बोलो टू अल्फा बाहर है, अंदर क्या है वी डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है वी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू डी बाई डी टी क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्सेलरेशन प्लस बीटा इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर आप ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये क्या हो जाएगा माइनस बीटा इंटू एक्सेलरेशन, या तो ये हम लोग इसको ऐसे रन देते हैं, अभी जीरो यहाँ पे है, ब्रैकेट ओपन किया तो दिस विल बिकम जीरो विच इज इक्वल टू व्हाट टू अल्फा वी स्क्वायर प्लस टू एक्स ए टू अल्फा एक्स ए एयर प्लस बीटा ए एयर। तो बोलो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा अभी, कैन आई से इसको इधर ले लिया मैंने टू अल्फा वी स्क्वेयर, बोलो इसमें से मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, तो ए के बाद अंदर क्या बचेगा टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये हो जाएगा टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। विनेश क्या होगा देखो यहाँ पे हमको ए क्या मिल रहा है, ए ए इज माइनस टू अल्फा वी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, टू अल्फा एक्स अपॉन बीटा। अभी देखो ये वाला स्टेप दिख रहा है आपको, दिस वन पे अटेंशन है, लास्ट स्टेप है ये वाला देखो यहाँ पे विच आई एम शोइंग योर ये रेड बॉक्स में, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऐसा कि वन इज इक्वल टू टू
अल्फा एक्स वी प्लस बीटा वी। तो देखो यहां पे व्हाट विल बी वी, और वी को अगर कॉमन ले लिया यहां से तो ये हो जाएगा टू अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू वी। तो बोलो वी क्या हो जाएगा फिर, वन अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। दिखता है ये टर्म है सेम यहाँ पे, हेलो हाँ सर। तो फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन आई से इट विल बी टू अल्फा वी स्क्वायर इंटू वी ना, हेलो ए क्या हो जाएगा माइनस टू अल्फा वी क्यूब माइनस टू अल्फा वी क्यूब, ये इसका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन ए। सबको समझ में आया? हेलो यस सर। तो पहले दो बार डिफ्रेंशिएट करना, फिर इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना है तो आपको ए मिलेगा, फिर वी को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना। चलो इज इट क्लियर विद एवरीवन? हेलो यस सर। सो दिस इज 56। बोलो ये वाले टाइप में कुछ बचा है क्या अभी? नहीं सर। नहीं सर। आर वी डन? यस सर। हो गए। यस सर। यस सर। टाइप कौन सा है? टाइप थ्री था। हाँ टाइप थ्री। टाइप थ्री। टाइप सेवेन। आ जाओ 57 पे, अभी देख ही लो, अब हैरान कर दो। ये वाला क्वेश्चन हमने किया है शायद, जरा देखना आपके न्यूमेरिकल शीट में, या तो हमने ये क्लास वर्क में किया है क्या, चेक करना जरा। कहीं तो किया है क्वेश्चन, चेक करना जरा। नहीं ये क्लास वर्क। हाँ नहीं ये न्यूमेरिकल शीट में, न्यूमेरिकल शीट में देखना जरा। सर शीट में भी ऐसा सिमिलर नहीं दिख रहा सर। नहीं है शीट में भी नहीं है। हाँ कर देता हूँ। चलो ये देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो 57। में देखो क्या दिया, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, टी प्लस फाइव रेज टू माइनस वन। हमको बोला था एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो एक्स दिया एक्सेलरेशन तक जाना तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट ना दो बार। हेलो तो वी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी विच इज गोइंग टू बी डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस फाइव रेज टू माइनस वन। बोलो अभी ये अगर आप इसको गौर से देखोगे यहाँ पे, इफ यू सी दिस इक्वेशन प्रॉपरली, बोलो जनरली जो पावर वाला टर्म होता है वो कैसा होता है, इट इज डी बाई डी टी ऑफ टी रेस टू एन ना, विच इज एन इन टू एक्स रेस टू एन माइनस वन, पता है ना ये सबको? हेलो हाँ सर। बट ये टी रेस टू एन है कि टी प्लस फाइव रेस टू एन है? T plus 5 T plus 5
तो बोलो ये कैसा हुआ फिर, ये स्टैंडर्ड फंक्शन हुआ कॉम्पोजिट हुआ? कॉम्पोजिट फंक्शन और इसमें कॉम्पोजिट कौन है? टी प्लस फाइव है ना, तो पहले पूरा इक्वेशन डिफरेंशिएट होगा, फिर टी प्लस फाइव अलग से डिफरेंशिएट होगा, तो पूरे इक्वेशन को हाँ डिफरेंशिएट करोगा वी वाले फॉर्मूला से, तो वी क्या हो जाएगा? इट विल बी टी प्लस फाइव रेस टू माइनस वन का क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस वन, दिस विल बी टी प्लस फाइव रेस टू माइनस वन माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस टी प्लस फाइव रेस टू माइनस टू, और फिर क्या होगा डी बाई डी टी ऑफ, बोलो इसके साथ कौन आएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, अगर अंडू करके यहाँ पे लिखा करेक्टली तो यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे डी बाई डी टी ऑफ, बोलो टी प्लस फाइव इज कॉम्पोजिट ना, तो टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे, जो इवेंचुअली वन ही आएगा, बोलो टी का डेरिवेटिव क्या होगा वन, फाइव का क्या होगा जीरो, तो इंटू क्या आएगा वन, पर लिखना जरूरी है, तो वी क्या हो जाएगा माइनस टी प्लस फाइव, रेस टू माइनस टू। चलो अभी इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी, तो बोलो क्या मिलेगा हमको, डी बाई डी टी ऑफ माइनस टी प्लस फाइव रेस टू माइनस टू, तो बोलो अभी क्या हो जाएगा फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो व्हाट डू आई गेट, सेम ना, सेम ही तो फंक्शन है, तो माइनस चार टू माइनस माइनस, ये माइनस टू आगे आएगा, और बोलो अंदर क्या होगा फिर, टी प्लस फाइव हो जाएगा माइनस टू माइनस वन इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस फाइव, क्योंकि टी प्लस फाइव कॉम्पोजिट है, वापस क्या आएगा उसका वन ही आएगा, बोलो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये चीज माइनस थ्री यार, समझ आ रहा है सबको? ये लो यस सर चलो एक यस लास्ट स्टेप सर देख लो जो आपको आंसर दे देगा, ध्यान देना है यहाँ पे, पे अटेंशन ये, बोलो अभी अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए रेस टू टू इंटू टी प्लस फाइव रेस टू माइनस वन द होल ब्रैकेट रेस टू थ्री, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सही है, हेलो यस हाँ, सर बोलो टी प्लस फाइव रेस टू माइनस वन क्या है, एक्स है ना, ए क्या हो जाएगा टू एक्स क्यूब, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, देखो एक्सेलरेशन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब ना, डिस्टेंस का स्क्वायर दिया है यहाँ पे, तो अभी है ना ये वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए होगा, तो देखो कैसे निकालते हैं इसको, यहाँ पे ले लो देखो अभी, तो वी क्या होगा माइनस, वन सेकेंड आई एम राइटिंग हियर, टी प्लस फाइव रेस टू माइनस वन, और ये हो जाएगा पूरा स्क्वायर, तो बोलो वी क्या हो जाएगा, वी माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस साइन जाने दो अभी, आप प्रोपोर्शनलिटी पे देखो, प्रोपोर्शनल पूछा है उधर, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या होगा प्रोपोर्शनल टू वी रेस टू हाफ ना, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो ए क्या हो जाएगा टू वी रेस टू, पहले से थ्री है और वन बाई टू आ जाएगा यहाँ पे, तो बोलो एक्सेलरेशन किसको प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे, वी रेस टू थ्री बाई टू, दैट थ्री बाय टू इज ऑप्शन ए, दैट इज व्हाट ऑप्शन ए, चलो क्लियर है ये, यस सर चलो ये सब काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सब टॉप लेवल क्वेश्चंस हैं भाई, चलो सबको समझ में आया ये कैसे करते हैं, हेलो हाँ सर यस सर चलो दिस इज क्वेश्चन नंबर यस 57, आर वी डन, सबको समझ में आ रहा है ये, यस यस सर सर अभी ये लास्ट के जो 30 क्वेश्चन बचे हैं 58 से लेके 88, उसमें कितने डाउट है भाई,
वे 30 में से 30 भी करना है क्या वापस? नहीं नहीं सर, नहीं, थैंक यू। नहीं सर।